डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है कि हर किसी के बस की बात नहीं होती कि इस सेंसिटिव टॉपिक पे वो मूवी बना पाए। और उसी टॉपिक को लेकर आ रही है एक मूवी जिसका नाम है दो पत्ती। इसमें आपको काजोल देखने मिलेगी, कृति सेनन देखने मिलेगी और शायर शेख भी देखने मिलेंगे। तो क्या ये मूवी आपका टाइम डिजर्व करती कि नहीं डिजर्व करती, उसके लिए आपको ये रिव्यू एंड तक देखना पड़ेगा। हम लोग डिटेल एनालाइज करने वाले हैं। लिटरली मूवी स्टार्ट तो अच्छा लेती है लेकिन अपने टॉपिक से ऐसे भटक जाती है कि आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। प्लॉट को लेकर ऐसा लगेगा कि मेकर्स भी अपनी कहानी को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। और मूवी का जो फर्स्ट रहता है वो बहनों की राइवलरी पे ज्यादा फोकस करता है, ना कि डोमेस्टिक वायलेंस पे। वो आता है भाई सेकंड हाफ में। लिटरली मूवी अपने आप को दो हिस्सों में बांट के रख देती है स्क्रीन प्ले के मामले में। और फिर उसके बाद दो बहनों की राइवलरी पे इतना फोकस किया जाता है कि उसमें हमें थोड़े बोल्ड सीन भी देखने मिलते हैं और थोड़े कात किसिंग सीन भी देखने मिलते हैं। और बात करें परफॉर्मेंस की तो कृति सेनन ने लिटरली एकदम फाड़ के रख दिया। पहली बार वो किसी मूवी में डबल रोल प्ले करी है लेकिन इतनी बेहतरीन तरीके से प्ले किया है, लिटरली आप उनके और भी बड़े फैन बन जाओगे। और बात करें काजोल मैम की तो भाई वो कैरेक्टर को अच्छी तरीके से पुल ऑफ ही नहीं कर पाती। लिटरली वो पूरी मूवी में उनका कैरेक्टर एकदम ड्रैग होते हुए लगता है। लिटरली एक ऐसा शानदार कैरेक्टर थे जिसको अगर तब्बू प्ले करती तो एकदम बेहतरीन तरीके से स्क्रीन में उभर के आता। और इसमें आपको शायर शेख भी देखने मिलेगी जिनका ये बॉलीवुड डेब्यू होने वाला है, जिन्होंने अच्छा खासा अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, जिसकी वजह से आप ये कैरेक्टर से नफरत करने लग जाओगे। और जब नफरत करने लग जाओगे तो समझ लेना वो बंदे ने वो कैरेक्टर को ऐसे निभाया कि लिटरली कोई और निभा ही नहीं सकता। तो ऐसे ही नहीं उनको टीवी का स्टार कहा जाता है। और बात करें मूवी लैग कहां पड़ जाती है, मूवी लैग कर जाती है अपनी कहानी और स्क्रीन प्ले को लेकर। जिस तरीके से मूवी स्टार्ट होती है लिटरली अपने टॉपिक से भटक जाती है डोमेस्टिक वायलेंस पे, तो सेकंड हाफ में आती है। इसी की वजह से मूवी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर जाती है आपको। लेकिन एज अ वन टाइम व्यूअर्स आप देख सकते हो ये मूवी को, अगर आपको चांस देना है तो। और मूवी का जो प्लॉट ट्विस्ट रहता है वो अच्छी तरीके से पुल ऑफ नहीं किया गया है, मतलब आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा और प्रिडिक्ट कर लोगे आगे मूवी किस ओर टर्न लेने वाली है। और मूवी अच्छा खासा एंड में जाते जाते अच्छा खासा मैसेज भी छोड़ जाती है, लेकिन वो मैसेज के आने तक का आप मूवी से पूरा डिसअपॉइंट और कट हो जाते हो। तो अगर आपको ये मूवी देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन को हद में रखना। एकदम मास्टरपीस लेवल की थ्रिलर मिस्ट्री नहीं है भाई ये। और ये मूवी आपको अच्छा खासा वन टाइम वॉच एक्सपीरियंस देगी जो आपके लिए काफी होगा। ये मूवी की रेटिंग रहेगी मेरी तरफ से 2.5 स्टार की। तो ये था मेरा शॉर्ट एंड सिंपल रिव्यू ऑफ दो पत्ती। अगर आपको रिव्यू से जरा भी हेल्प लगी पेज को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले रिव्यू में।